वह तिरोभाव भी शरीर के संबंध से ही है। व्याख्या: इस जीवात्मा में उस परब्रह्म परमात्मा के स्वाभाविक गुण विद्यमान रहते हुए भी जो उन गुणों का तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तथा वह ये जीवात्मा जो उन सब गुणों से सर्वथा अनभिज्ञ है, उसका मुख्य कारण जीवात्मा का शरीर के साथ एकता मान लेना ही है। यही इसका संबंध है और ये अनादि काल से है। इसलिए इसके कारण जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों से परवश हुआ ये जीव नाना योनियों में जीव जन्म लेता और मरता है तथा भांति भांति के दुखों का उपभोग कर रहा है। संबंध यहाँ तक स्वप्नावस्था पर विचार किया गया, उसमें प्रसंग वश जीवात्मा के संबंध और उससे छूटने के लिए उपाय का भी संक्षेप से वर्णन हुआ। जब जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था पर विचार करने के लिए अगला प्रसंग आरंभ किया जाता है, प्रायः ये कहा जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का ब्रह्म से संयोग होता है, इससे ये भ्रांत धारणा हो सकती है कि सुषुप्ति भी समाधि के सदस्य कोई सुखप्रद अवस्था है। अतः इस भ्रांति का निवारण करने के लिए कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में उस स्वप्नदृश्य का अभाव हो जाता है, उस समय जीवात्मा नाड़ियों में स्थित हो जाता है, क्योंकि वैसा ही श्रुति का कथन है तथा आत्मा में भी उसकी स्थिति बताई गई है। व्याख्या: पूर्व सूत्रों में जो स्वप्नावस्था का वर्णन किया गया है, उसका उपभोग करते समय ये जीवात्मा कभी तो स्वप्न से जग जाता है और कभी फिर स्वप्न में स्थिर हो जाता है, पुनः जगता और फिर स्वप्नावस्था में चला जाता है। इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक सुख दुख का उपभोग करते करते कभी सुषुप्ति अवस्था हो जाने पर स्वप्न के दृश्यों का अभाव हो जाता है, उससे ये सिद्ध होता है कि वे माया मात्र हैं, क्योंकि बाह्य जगत का अभाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यों का त्यों चलता रहता है तथा जीवात्मा का शरीर भी सुरक्षित रहता है, इसलिए उसका सत्य होना सिद्ध होता है। उस समय जीवात्मा को इस प्रपंच के उपभोग से विश्राम मिलता है तथा शरीर और इंद्रियों की थकावट दूर होती है। वह अवस्था आने पर जीवात्मा की स्थिति वैसे कैसी और कहाँ रहती है, इस विषय में श्रुति कहती है, जब ये सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ भी नहीं जानता, उसके शरीर में जो बाहर 72,000 ईता नाम की नाड़ियाँ हृदय से निकलकर समस्त शरीर में व्याप्त हो रही है, उसमें फैलकर वह समस्त शरीर में व्याप्त हुआ सहन करता है। दूसरी श्रुति में ऐसा ही कहा गया है कि जब यह सहन करता हुआ किसी तरह का स्वप्न नहीं देखता, उस समय से सब प्रकार से सुख होकर नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है, उस समय उसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते। भाव ये है कि उस समय अज्ञात में इसके शरीर की क्रिया द्वारा किसी जीव की हिंसादि पाप कर्म हो जाए तो वह नहीं लगता तथा कहीं ऐसा भी कहा है कि हे सौम्य, इस सुषुप्ति के समय ये पुरुष सत से संपन्न होता है। एक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि उस समय परमात्मा के स्पर्श को प्राप्त हुआ ये जीवात्मा न तो बाहर की किसी वस्तु को जानता है और न शरीर के भीतर की भी किसी वस्तु को जान पाता है। इन सब वर्णनों से यही मालूम होता है कि नाड़ियों का मूल और इस जीवात्मा तथा परम ब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान हृदय है, उसी जगह सुषुप्ति में जीवात्मा सहन करता है, इसलिए उसकी स्थिति हृदयस्थ नाड़ियों में और परमात्मा में भी बताई जा सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है। स्थान की एकता के कारण ही उसको ब्रह्म की प्राप्ति, कहीं प्रलय की भांति परमात्मा के साथ संयुक्त होना आदि कहा गया है, परंतु उससे ये नहीं समझना चाहिए कि ये समाधि की भांति मुक्ति में सहायक है। ये तो महान तामसी सुख का उपभोग कराने वाले अज्ञानमय स्थिति है। गीता अध्याय 18:38 श्लोक। अतः शरीर रक्षा के लिए कम से कम आवश्यक समय तक ही शयन करना चाहिए, श्रेष्ठ सुख की बुद्धि से नहीं।
श्रेष्ठ सुख की बुद्धि से नहीं। प्रश्नोपनिषद में स्पष्ट ही वर्णन है कि ये मन जब तेज से यथार्थ उदान वायु से दब जाता है, उदान वायु इंद्रियों सहित मन को हृदय में ले जाकर मोहित कर देता है, तब इसकी सुसुप्ति अवस्था होती है। उस समय ये स्वप्न को नहीं देखता। इस शरीर में जीवात्मा को ये सुसुप्ति जनित सुख होता है। इसे ही विषय में दूसरी श्रुति में भी जो ये बात कही है कि उस समय तेज से संपन्न होता है, वहाँ भी तेज का अर्थार्थ उदान वायु ही समझना चाहिए, ब्रह्म नहीं। क्योंकि प्रश्नोपनिषद में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए नवे और दसवें मंत्र में स्पष्ट ही उदान वायु की और तेज की एकता की गई है। अतः ऐसा मानने से ही वहाँ किए हुए वर्णन के साथ छंदोक श्रुति की एकत्वता सिद्ध होगी। ये संबंध सुसुप्ति काल में जो परमात्मा के साथ हृदय देश में जीवात्मा की स्थिति बताई गई है उसकी पुष्टि करते हैं। इसलिए यहाँ से जीवात्मा का जगना श्रुति में कहा गया है। व्याख्या जो वस्तु जिनमें विलीन न होती है वहाँ और वहीं से प्रकट भी होती है, इस न्याय से जीवात्मा सुसुप्ति का अंत होने पर जब जगता है तब यहाँ से यथार्थ परमात्मा के निवास स्थान हृदय से ही जागृत होता है। इसलिए उसके लय होने का स्थान भी वही है, ये अपने आप सिद्ध हो जाता है। ये जगना उस परमात्मा की ही व्यवस्था से होता है। जितने समय तक उसके प्रारब्धानुसार सुसुप्ति का उपभोग होना चाहिए, उतना समय पूरा हो जाने पर वह उस परमेश्वर की व्यवस्था से जीवात्मा जागृत हो जाता है। ये भाव भी वहाँ समझ लेना चाहिए। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में विलीन होता है वह जगकर वापस आता है, या शरीर के किसी अंग में पड़ा हुआ दूसरा ही कोई जीव जगता है। इस पर कहते हैं,